हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको बता रहे हैं कि एक प्रिंटर का मॉडल होता है एचपी लेजर जेट 1007 1007 इसमें प्रॉब्लम क्या है इस मॉडल में। ये मॉडल ये भी अच्छा होता है, 10-20 के कंपेयर थोड़ा छोटा प्रिंटर होता है। इसका कार्टेज थोड़ा छोटा होता है, 10-20 में प्रिंटर कार्टेज 12 ही लगता है। इसमें आपका 88 कार्टेज लगता है, 88 कार्टेज होता है इसमें। तो इसमें थोड़े प्रिंट आउट कम निकलते हैं, उसमें प्रिंट आउट थोड़ा ज़्यादा निकलते हैं। फिर भी ये कमर्शियल यूज में तो इतना अच्छा प्रिंटर नहीं है। कमर्शियल यूज में तो 10-20 ही प्रिंटर अच्छा होता है। ये होम बेसिक होम प्रिंटर बहुत अच्छा होता है, जैसे नॉर्मल आपको काम करना होता है, घर के काम होते हैं उस टाइप में। ये प्रिंटर बहुत अच्छा प्रिंटर होता है, ये भी सस्ता भी होता है ये 10-20 के मुकाबले। 10-20 आज के टाइम में 11-12 हज़ार रुपये का प्रिंटर है, और ये अभी भी 6,500-7,000 रुपये में प्रिंटर मिल जाता है। इसके अकॉर्डिंग अब दूसरा मॉडल आ गया है, 1108 आ गया है, 1106 आ गया है। सेम वही है, मॉडल नेम चेंज हो गया है और सब कुछ वो वैसा ही है। कार्टेज भी वही लगेगा और पार्ट्स वगैरह भी वही लगते हैं उसमें जो उसके होते हैं। आज हमारे पास जो ये प्रिंटर आया है एचपी 1007 जो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है लाइट प्रिंट आउट की। इसमें टेस्ट पेज हम देखते हैं तो ढक्कन को 2-4 बार हम ऐसे करते हैं तो इसमें टेस्ट पेज बाहर निकल जाता है। टेस्ट पेज में क्या होता है, इस मॉडल में लाइन होती है, उससे हमें पता लग जाता है कि प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी है। अभी पहले मैं रिपेयर करने से पहले की प्रिंटिंग क्वालिटी आपको दिखाऊंगा, फिर रिपेयर करने के बाद की प्रिंटिंग क्वालिटी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप यदि आप ये देखोगे यहाँ पे वीडियो के माध्यम से, यदि आपको नजर आएगा कहीं कहीं पे ये वाइट प्रिंटिंग छोड़ रहा है और कहीं पे डार्कनेस हो रही है, ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अभी जब प्रिंटर रिपेयर हो जाएगा तो उसके बाद की मैं आपको क्वालिटी दिखाऊंगा, क्या क्वालिटी आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस चीज़ में, सबसे मोस्टली जो प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम होती है इसमें स्कैनर की ही होती है लेजर प्रिंटर में। हम इसको यदि खोलते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे इसका स्कैनर होता है और कहाँ पे इसको हम कैसे खोलते हैं। ये इसका कार्टेज होता है 88 कार्टेज इसमें लगता है। ये इसका लेजर यूनिट होता है, लेजर स्कैनर यूनिट जो होती है LSU, ये इसका ये वाला होता है। ये आपका इसका इशू कार्ड होता है इसमें। ये इसका स्कैनर होता है, लेजर स्कैनर होता है इसमें।
हम इसको खोलते हैं। इसमें इसकी इसकी स्कैनर की एक बीम होती है, ये आप देखोगे ये बीम जो होती है ये थोड़ी गंदी हो जाती है, जिस वजह से हमारा लाइट प्रिंट आउट आता है। दूसरा इसमें ऑप्शन होता है हमारे प्रिंट को डार्क करने के लिए, एक सेंसर लगा होता है जिसको हम घुमाएंगे तो हमारी प्रिंटिंग क्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा। ये छिड़ा हुआ है क्या? के बाद हम इसको पैक करके बाद चेक करते हैं कि हमारी प्रिंटिंग पे कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। ये अब आप प्रिंटिंग की क्वालिटी कंपेयर करोगे, पहले वाली प्रिंटिंग में आप देखोगे ये डार्क डार्क नहीं, ये वाइट वाइट छोड़ता है, तो इसमें बिल्कुल एक इक्वल प्रिंटिंग आ रही है। इस प्रकार आप देखोगे कि क्या प्रॉब्लम होती है जब प्रिंटर से प्रिंट लाइट प्रिंट आउट आता है। हम कार्टेज भी चेंज करके देख लेते हैं और हम कार्टेज का दूसरा लगाने के बाद भी सेम ही प्रॉब्लम यदि आता है तो फिर हमारे स्कैनर में प्रॉब्लम होती है, हमें इसका स्कैनर रिपेयर कराना होता है। तो इस प्रकार आप देखोगे सूरज कंप्यूटर सारे प्रिंटर्स आपका कोई भी मॉडल हो, HP, Canon, Samsung, लेजर जेट हो, इंक जेट हो, ब्रोदर का कोई भी मॉडल हो, सूरज कंप्यूटर सभी लैपटॉप में सभी प्रिंटर्स की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं पूरे दिल्ली NCR में। तो ये हमने अभी आपने इस वीडियो में देखा ये HP का 1007 प्रिंटर होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम था, पहले लाइट प्रिंट आ रहा था, बीच बीच में लाइट मार रहा था, अब बिल्कुल इक्वल प्रिंट आ रहा है। इस प्रकार आपको हमारा वीडियोज कैसा लगा, हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।